समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष लालू परवेज ने सभी देशवासियों खास तौर से जिला मुरादाबाद के आवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है और ये अपील भी की है कि सभी लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे व गंगा जमनी तहजीब के साथ ईद का त्योहार मनाए। उन्होंने कहा, देखिए सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और जिला लोहिया वाहिनी की तरफ से जिला वासियों को और महानगर वासियों को सबको ईद की शुरू की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अपने हिंदू भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शांति से अपने लोग जाके नवाज आवाज़ पढ़ें और बच्चों का ध्यान रखें और एक साथ में अपने गर्मी इतनी पड़ रही है, धूप तेज की होगी, पानी की बोतल लेके जाए, साथ में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से मेरी ये मांग है, प्रशासन से वहाँ शामियाने अपने धूप की छाँव में रखें या लोग नमाजी नमाज पढ़ें, वहाँ सारी व्यवस्था होनी चाहिए कि नमाजी को दिक्कत ना हो और लोग अपने अपने जब नमाज पढ़ के अपने घर जाएं, एक खुशी से ईद बनाएं। ईद का त्यौहार है, घरों में जाके लोगों से मिलें, ईद की सिमैया खाएं, लोगों से मुलाकात करें और खुशगवार माहौल में ये त्यौहार मनाएं। खुश त्यौहार में ये त्यौहार मनाएं, गले लगें सबसे, अपने हिंदू भाइयों से ही मिलें, सबसे एक भाईचारा बना के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सपा लोहिया वाहिनी के नवनियुक्त जिला सचिव शाहिद हुसैन ने भी सभी जनपद वासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की है और सभी भारत वासियों से इस मुकद्दस त्योहार को आपसी मेल मिलाप के साथ मनाने की गुजारिश की है। इस अवसर पर लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष लालू परवेज, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव डॉक्टर अमनदीप सिंह मान उर्फ जॉन्टी और सपा कार्यकर्ता फैसल अली भी मौजूद रहे। लोहिया वाहिनी के जिला सचिव शाहिद हुसैन ने इस अवसर पर कहा, हमारे सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को मेरी ओर से दिली मुबारकबाद है ईद उल फितर के त्यौहार पर। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से ये अपील है कि ईद उल फितर भाईचारे के नाते एक दूसरे के साथ मिलजुल के मनाया जाए। ये खुशियों का त्यौहार है और जैसे हम पहले से मनाते चले आ गए हैं उसी तरह से इस साल मिलजुल के सब खुशियों के द्वारा मनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मजबूत करते हुए रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र कुमार ने भी अपनी कविता के माध्यम से सभी देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी हैं। मैं रिटायर्ड कैप्टन नरेंद्र कुमार आने वाली ईद पर तमाम मुसलमान भाइयों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, आशा है आपको पसंद आएंगी। खुश हो गया मैं तो आज सबने गले लगाया, ईद मुबारक हो तुमको सबने ये फरमाया। देख चांद ईद का कल से मन में एक उमंग थी, मेरे दिल में खुशियों की बज रही तरंग थी। ऐसा लगा था मुझको चांद मेरे संग मुस्काया, खुश हो गया मैं तो आज सबने गले लगाया। ईदगाह में आज के दिन अद्भुत एक नज़ारा था, लाखों नवाजी हुए इकट्ठे सबने अल्लाह पुकारा था। एकता में क्या है ताकत मेरी समझ में आया, खुश हो गया मैं तो आज सबने गले लगाया। ईद मुबारक बोला सबने मेरे घर पर आकर, गले लगे सब मेरे भाई गए सेमियां खाकर। अल्लाह का हर नेक बंदा मेरे घर पर आया, खुश हो गया मैं तो आज सबने गले लगाया। यूँ तो भारत वर्ष में बसते धर्म अनेक हैं, दुश्मनों को समझा दो हम हिंदुस्तानी एक हैं। भारत की ताकत के आगे हर कोई थर्राया, खुश हो गया मैं तो आज सबने गले लगाया। कहे नरेंद्र मेरठ वाला दिल खोल कर रखता हूँ, मुस्लिम बसते मेरे दिल में मैं उनके दिल में बसता हूँ। देख शीर में काजू बाजू, देख शीर में काजू किस्ते मेरा मन ललचाया, खुश हो गया मैं तो आज सबने गले लगाया। ईद मुबारक हो तुमको सबने ये फरमाया। जय हिंद, जय भारत।